Hello everyone, this is Basim Raza with your very own Iffy the car guy. कैसे हैं आप इफी भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप लोग हैरान होंगे कि आज मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। Who I am? I am nothing but a fan of this guy because of his passion about cars. Thank you. And for me, I am not मतलब मुझे लगता है मैं पैशनेट नहीं हूँ, बट हाँ मैं मोहब्बत ज़ाहिर है यार। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा चार्म होता है। डेफिनेटली ऐसा ही है। Definitely. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, और बीइंग अ वेरी न्यू पर्सन ऑन योर चैनल, और आज इस वीडियो का मैं आपके साथ एक क्या कहेंगे आपका साथ देने जा रहा हूँ इस जर्नी में। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज, हम किस गाड़ी पे सबसे ज़्यादा हमारा मतलब तो आ रही है। First of all, thank you to be a part of my review and channel. And आज हम एक लग्जरी गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। आज हमारे पास टोयोटा क्राउन है, 14th जनरेशन की, और टोयोटा क्राउन का मतलब ही है कंफर्ट और लग्जरी, और स्टाइल तो आप देख सकते हैं किसका है ही। और टोयोटा क्राउन हाइब्रिड होने का मतलब है कि फ्यूल एफिशिएंट भी है, सो ऑल इन वन पैकेज। आइए दोस्तों, इस गाड़ी को हम तफसील से देखते हैं, और बासिम ने हमें ज्वाइन किया इस गाड़ी को प्रेजेंट करने के लिए और इस रिव्यू का पार्ट बनने के लिए मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहते हैं यार, मतलब एक पहली लुक में ही लगता है कि कुछ शहाना गाड़ी है भाई, कोई मज़ा है इस गाड़ी में। वो तो डेफिनेटली है ही, टोयोटा की फ्लैगशिप है। और थैंक्स टू कार कैपिटल प्लस इन ब्लू एरिया के जिन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की रिव्यू करने के लिए। क्राउन की अगर लुक्स की बात की जाए तो इस 14th जनरेशन की पिछले मॉडल्स की नस्बत बेहतर स्टाइल, बेहतर रिफाइनमेंट और रिफ्रेशिंग लुक्स हैं। गाड़ी के डिज़ाइन में अगर आप ज़रा सा गौर करें तो फ्रंट और बैक साइड दोनों पहले से ज़्यादा कर्वेशियस हैं और दिखने में ज़्यादा एक्साइटिंग भी। फ्रंट में इसकी स्लीक हेडलाइट्स और रेजर स्टाइल की ग्रिल, जिसकी आप देख सकते हैं कि बाउंड्री क्रोम एक्सेंटेड है, इसको बहुत प्रेस्टिजियस लुक्स देते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो लोअर स्टांस है और ओवरऑल लुक्स बहुत सोबर हैं, और टोयोटा क्राउन रखना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जापान में भी तमाम अंकल्स में क्राउन रखने का रिवाज आम है, और वहाँ के अंकल्स बड़ा प्राउड फील करते हैं क्राउन रखने में। तो बासिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे क्राउन की लुक्स के बारे में? जो इस गाड़ी की जो लुक है ना, वो सोबर डिसेंट, मगर उसके साथ साथ एक मॉडर्न फील भी है इस गाड़ी को देखने के बाद। व्हाट डू यू थिंक इफी द कार गाय? यस, बिल्कुल, एक बहुत ही सोबर लुक्स हैं इस गाड़ी की, और गुड लुकिंग गाड़ी है। तो एग्जेक्टिव जो हैं, जो जिस तरह हमने इस पे बात भी की थी कि उनके लिए ये गाड़ी बड़ी प्रेफरेबल है। अगर मैं इसकी सिर्फ एक्सटीरियर लुक की बात ना करूं, इंटीरियर में भी बैठ के भी आपको एक फील आती है, और एक्सटीरियर तो देख के ही दूर से पता लगता है कि यार कोई मतलब एक सही कोई वैसी गाड़ी है यार। तो दोस्तों, ये था सब कुछ एक्सटीरियर के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। टोयोटा की बाकी गाड़ियों की तरह ये भी टोयोटा इंटेलिजेंट एक्सेस सिस्टम से आरास्ता है, मतलब आप या तो गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इन बटन्स के थ्रू, या तो ये रिमोट आपकी पॉकेट में होना चाहिए और आप आके इस सेंसर को टच कीजिए, इससे गाड़ी लॉक हो जाएगी। ऑटोमेटिक साइड मिरर्स लॉक, और अनलॉक करने के लिए सिंपली आप अपना हाथ इस हैंडल के पीछे लाइए, अनलॉक। ओ ओ जबरदस्त यार, यार ये पहली लुक में ही आपको कुछ फील आती है यार इस गाड़ी को देख के। लग्जरियस फील, एलिगेंट फील। आप यकीन करें, अभी हम जब थोड़ी देर पहले ई क्लास का भी एक रिव्यू देख रहे थे, और इसके साथ साथ हमने ऑडी A4 देखा, जी कोई मतलब टोयोटा क्राउन क्यों इतना हिडन पोटेंशियल है यार पाकिस्तान में, क्यों इस गाड़ी को लोग करेज नहीं कर रहे? ये क्या है, ये ड्राइंग रूम है एक छोटा, ये तो आप बैठ के आपको एक फील आता है कि यार ये कोई बड़ा जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी जो मुझे नज़र आती है, क्या कहते हैं यार मतलब इस बारे में कि ये जो वुडन ट्रिम्स हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें वुडन ट्रिम्स इतनी अच्छी क्वालिटी के
है जो कि इसको बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहे हैं। और उसके बाद आप देखें तो इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स के इस्तेमाल किए गए, जैसे कि ये लेदर है। अब लेदर और इसकी स्टिचिंग आप देख लें कितनी अच्छी क्वालिटी का हुआ है, तो इससे आपको पता चलता है कि एक प्रीमियम फील आपको जो आ रही है वो इन लग्जरियस आइटम्स के यूज़ की वजह से आ रही है। इसलिए इसकी वजह से इसकी लुक्स भी हैं और क्वालिटी भी है, इंटीरियर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा डिफरेंस देख रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस? ये दिस इज़ आप देख सकते हैं ये इसका ट्रंक ओपनर है। आप जब यूजुअली गाड़ियों का, इस लेवल की गाड़ियों का ट्रंक ओपनर इसका इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू ऑपरेट होता है। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ट्रंक खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। वाह, क्या ये हैवी है भाई, ये सही हैवी है, काम हो गया इसका भी यार। आई थिंक हमें अंदर बैठ के ज़रा और भी इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटीरियर इसका लेदर का है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी है और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है इन बटन्स के थ्रू। 8-way एडजस्टेबल सीट्स है। फिर इसके स्टेयरिंग को आप देख लें, उसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों हैं जो कि इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और काफ़ी एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने लिए कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन सेट कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द इंटीरियर। हम लोग अभी जस्ट इस ज़बरदस्त कार के फील लेने इस गाड़ी में अभी जब बैठे हैं, पहली नज़र में तो एक लगता है यार, मतलब सीरियसली स्पीकिंग, ये किसी मर्सिडीज बेंज के, ऑडी के हाई एंड वर्जन से कम नहीं नज़र आ रही मुझे। आप क्या कहते हैं आयफी भाई, अगर आप इसका एक ज़रा वो पावर बटन तो प्रेस करें। जी जी, श्योर। पावर बटन प्रेस करें तो आपने देखा कि स्टीयरिंग व्हील आपकी प्रीसेट की हुई पोजीशन पे आ गया। और ये मज़े का शशका है इस गाड़ी में, क्योंकि जब आप इसको ऑफ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा वापस। पर्पस ही है कि आप गाड़ी से आसानी से उतर सके और आप जब बैठें तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग होते हैं, उन्होंने अपने लिए स्टीयरिंग की पोजीशन नीचे की तरफ सेट की हुई होती है। तो आप देखें जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो इट विल कम टू इट्स पोजीशन, जो आपने एडजस्ट की हुई पोजीशन होगी वहां पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। बिल्कुल यार, ये देयर इज समथिंग डिफरेंट मैन, दिस इज समथिंग डिफरेंट, व्हिच इज आई थिंक इतना, मतलब आप क्या कहते हैं, ये मार्केट के हिसाब से ये गाड़ी जब मैं स्टार्ट करता हूँ, ये कहता हूँ यार बैठते ही एक एडजस्टमेंट मेरे साथ, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ कोई बंदा बैठता है, एक नया बंदा है, देख के ही कहता है यार कि कोई चीज़ है। पाकिस्तानी की थोड़ी एक अप्रोच होती है ना कि यार ज़रा बैठने वालों को पता चले कि यार ये क्राउन है। बिल्कुल, उससे आपको एक थोड़ी लग्जरी गाड़ी की फील आती है, यही है कि आप इजीली कंफर्टेबली उतर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप जस्ट टू स्टार्ट पुश बटन आपको एक पता लगा कि यार कोई ऑटोमेटिकली कोई चीज़ हो रही है। अच्छा, इसके अलावा आप इसका स्टीयरिंग जैसा मैं देख रहा हूँ, बड़ा कोई कूल सा स्टीयरिंग है ना इसका, मतलब एक स्पोर्टी लुक भी आ रही है, एक एलिगेंट लुक भी आ रही है। तो व्हाट डू यू से के, मतलब बिल्कुल आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए 4-spoke स्टीयरिंग व्हील है इसका और इसमें बीच में स्टिचिंग हुई भी है एयरबैग वाले एरिया में। और इसमें सबसे प्यारा ये क्राउन का लोगो है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लुक्स सो ऑसम। फिर इसमें आप देखें बड़े सेंसिबली जो है ना कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे आएंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले के डिफरेंट पैरामीटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, इस बटन को प्रेस करके आप वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें वॉइस कमांड है और इसमें ब्लूटूथ के कंट्रोल है और इसमें क्रूज कंट्रोल है। और फिर आप देख सकते हैं नाइसली रैप्ड लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है जो कि बहुत ही चंकी भी है और बहुत अच्छी फील आ रही है इसको। इट्स नॉट ओनली इट्स फंक्शनैलिटीज, इसकी लुक एंड फील इटसेल्फ एक डिफरेंट और एक यूनिक लुक एंड फील है। कंपेयर टू नॉर्मल गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें लेदर यूज़ हुआ हुआ है और बड़ा अच्छी इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो दैट्स व्हाई इट फील्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कार्स। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की जब आपने इसमें किया, एंड दिस केम टू देयर पोजीशंस, ये जो
अच्छा वेंट्स मैंने अभी देखे जब जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट किया कि ये पहले बंद थे, फिर जब गाड़ी का आपने पुश बटन स्टार्ट किया इट केम टू देयर पोजीशन, दिस इज समथिंग यूनिक एज वेल। या आपको लगता है कि और भी इस ऑब्वियसली जो इस एंड की गाड़ियां होंगी शायद हो सकता है उसके अंदर भी है इस तरह के शशके? But this is one of the most unique features of the Crown from the very initial models. जब पुरानी वाली क्राउन्स भी जो आप देखेंगे, मेरे पास 95 मॉडल की क्राउन थी तो उसमें भी ये वाला फीचर था। इसके जो एयर कंडीशनिंग के वेंट्स हैं उसमें स्विंग की फंक्शनैलिटी भी है, मतलब स्विंग आप ऑन करेंगे तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आप एनेबल करेंगे तो स्विंग जो है जैसे नॉर्मल हमारे घर के एयर कंडीशन होते हैं उस तरह से ये फ्लैप कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं सामने इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है और क्या इसके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी थोड़ी सी मतलब शायद बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम या व्हाट यू थिंक थोड़ा सा आपको लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत हो सकती है? और मेरे ख्याल में टोयोटा को थोड़ा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मजीद इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टोयोटा की जो नॉर्मल गाड़ियां वो वाला स्टाइल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका थोड़ा सा टिपिकल है, जैसा कि आप देख सकते हैं टोयोटा की आम गाड़ियों की तरह का है, और इसमें राइट साइड पे स्पीडोमीटर है, डायल्स इसके बड़े क्लियर है और उसी में नीचे फ्यूल गेज है, जबकि लेफ्ट पे इसका एनर्जी मीटर है जो कि आपको शो करता है चार्जिंग मोड या किस मोड में आप पावर मोड में इको मोड में किस में चला रहे हैं, और उसमें नीचे इंजन के टेम्परेचर का गेज भी है। फिर सेंटर में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है और जो आप देखना चाहें। सबसे नीचे इसमें ऑडियो मीटर है जिस पे इस वक्त ये 44,000 किलोमीटर चली हुई है, उसके ऊपर टेम्परेचर है और ड्राइविंग रेंज है और उसके ऊपर एनर्जी मीटर है। अब इन जो भी आप सेटिंग देखना चाहते हैं वो आप इस डिस्प्ले के बटन से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का ग्राफ आ गया हमारे पास, ये देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। अभी गाड़ी थोड़ी सी मैंने स्ट्रेच की है, शायद इस वजह से कम हो गई है, वैसे ही है, अप टू 15 किलोमीटर पर लीटर भी होती है अगर आप हाईवे पर इसको चला रहे हैं। जापानीज़ में लिखा हुआ, आई डोंट नो कौन सी दोनों में से एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। डिस्प्ले का बटन को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं, ब्लैंक स्क्रीन और उसके बाद ये एनर्जी मीटर है। प्रॉब्लम इज़ के थोड़ा सा ये टिपिकल स्टाइल है मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा जो स्मार्ट स्क्रीन्स आई हैं जैसे मर्सिडीज एस क्लास में है या मर्सिडीज ई क्लास में है, उस तरह का एक डिस्प्ले होना चाहिए इसमें। Is it possible? क्योंकि usually Japanese चीज़ें understandable नहीं होती। We can change the language. जी बिल्कुल, basically इसका ये infotainment system है और ये 8 different languages को support करता है। इसको अगर आप देखेंगे तो इधर से आप तमाम गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। क्लाइमेट की सेटिंग्स हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, टोयोटा की सपोर्ट है। अब जनरल सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की English, हाँ जी, बट इसके बावजूद भी थोड़ा सा अच्छा ये एक इसमें ड्रॉबैक होता है, ये मैंने देखा है लेक्सस की भी गाड़ियों में 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट होती हैं, 6 डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसमें फिर भी काफ़ी सारी जो ऑप्शंस होती हैं वो फिर भी जापानीज़ में होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी में टीवी है। ग्रेट, जबरदस्त। फिर इससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल आप इस स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक किस्म की स्क्रीन है। और अभी काफ़ी ठंड भी काफ़ी है तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि हीटेड सीट्स के इसमें इसका स्टेयरिंग व्हील भी इवन के हीटेड है तो इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। फिर इसकी सीट्स भी हीटेड है और हीट की इंटेंसिटी आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। हीटेड सीट्स का आप इवन के टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। और ये दोनों फ्रंट सीट्स के लिए ही जी, दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो हीटेड हैं।
इस स्क्रीन में क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा आप गाड़ी के डिफरेंट मोड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटन प्रेस करके आप इको मोड में गाड़ी को चला सकते हैं, नॉर्मल मोड में चला सकते हैं, और अगर आपको पावर मोड में चलानी है तो पावर को प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। इसके अलावा अगर आप स्नोई एरिया में रहते हैं, जो कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप स्नो मोड को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि आप देखें स्नो मोड में ले जाने के बाद आपको इसमें स्नो भी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप पावर मोड में लेके जा रहे हैं तो इसको इसमें आप ये जो इसकी एलिमिनेशन है वो रेड हो गई है, जो कि पावर को शो करती है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह और इस तरह के मज़ीद भी फंक्शन हैं जो आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल पर आना चाहते हैं तो आप डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसका, आप ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और चूँकि ठंड काफ़ी है तो इस वजह से हम इसको इस पे ले जाएंगे, 28 पे ले जाएंगे। फिर इसके अलावा इसकी हीटेड सीट्स हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी अभी बताया था, और इसका इवन के स्टेयरिंग व्हील भी हीटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है। हीटेड सीट होने के अलावा इसलिए इसकी सीट्स हैं वो चिल्ड भी हैं, और गर्मियों में ये एक बड़ा अहम फीचर होता है, और इसमें अंदर ब्लोअर्स लगे हुए हैं जो कि हवा को सक करके बाहर निकालते हैं ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन चूँकि इस वक्त टेम्परेचर काफ़ी कम है और 6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इसलिए हम हीटेड सीट्स को का फ़ायदा उठाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये पैसेंजर साइड की हीटेड सीट है। इसकी हीटेड सीट्स में मज़े की बात यह कि आप इसका बॉटम और रेयर का जो पोर्शन है वो दोनों में आप हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इवन के आप इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर इसका डुअल मोड में एयर कंडीशनिंग है, और इसके स्विंग को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि सबसे अहम फीचर है क्राउन का। ये पुरानी क्राउन्स में भी ऑफर किया गया हुआ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप इसे ईवी मोड में चला सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स जो हैं उसको बेसिकली आप ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है। गाड़ी के डिफरेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि इसमें टीवी का भी फीचर है, लेकिन हमारे यहाँ जो टीवी की सेटिंग्स होती है उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं चलता और जापान में ही काम करता है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ की सेटिंग्स हैं और गाड़ी की और भी बहुत सारी सेटिंग है। बाकी ओवरऑल इस स्क्रीन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और रिस्पॉन्सिवनेस है इसमें, और बाकी हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो सिर्फ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पर ही बन सकती है। गाड़ी का इंटीरियर बेज कलर में है और इसमें हाई क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है। ओवरऑल एक्सटीरियर की तरह इसका इंटीरियर भी बहुत ही डिसेंट और सोबर है, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। तो दोस्तों अब हम रेयर सीट्स को देखते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑनर्स बैठ के ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मोस्टली उस केसेस में ये ड्राइवर ही चलाते हैं गाड़ी। और आइए हम देखते हैं कि रेयर सीट्स में क्या कम्फर्ट लेवल है। वासिम साहब आप देखिए और बताइए। यार क्या कहा जाए यार इस लग्जरी के बारे में। दिस इज सो कंफर्टेबल, दिस इज सो वाह वाह यार, क्या 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 बात है भाई। इस गाड़ी की लिटरली एक फील, एक कंफर्ट, एक डिफरेंट लेवल पे आप जाके फील करने लगते हैं कि यार आप किसी ज़बरदस्त गाड़ी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर बैठा हूँ एंड विद रिस्पेक्ट टू माई हाइट, और अगर मुझसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल 6'2" 6'3" लंबा आदमी है, गाड़ी की जो फ्रंट सीट है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जिसकी हाइट भी अराउंड 6'2" 6'3" है, और गाड़ी की जो फ्रंट सीट है ये बिल्कुल अपने बैकवर्ड पोजीशन पे ठीक ठाक है, तब भी उसको एक अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है यहाँ पर, और इजीली अगर वो ऐसे भी बैठे, दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो कम्फर्टेबल एंड लग्जरियस। प्लस इसके अलावा जो हेड रूम है वो भी ठीक ठाक है यार, मतलब
क्या चाहिए और? What do you think if he the car guy? हाँ, मेरे ख्याल में क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कि हेडरूम भी अच्छे है और लेग रूम भी अच्छा है, ऑल दो के ड्राइवर सीट काफ़ी पीछे की पोजीशन में है, प्लस इसमें ये कार हैंडल है और सॉफ्ट टच मटेरियल्स के यूज़ किया गया है यहाँ पे भी, और इसका जो वुडन पैनल है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, फिर उसमें क्रोम के डोर हैंडल्स, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल इट्स ट्रूली स्पीकिंग इस पहली लुक में ही मैं इस गाड़ी का एक फ़ैन हो गया हूँ, जो इसके अंदर बैठ कर फील आती है, जो इसको ऑब्जर्व करके फील आती है, और क्या बात है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, और इसमें सेंटर आर्म रेस्ट भी है पिछली सीट में अगर आप दो बंदे बैठे हैं, जिसमें दो कप होल्डर्स भी हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर पार्ट जो है सीट का वो परफोरेटेड मटेरियल में फिनिश किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है इसे। रियर पैसेंजर की कंफर्ट का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे भी दो बटन्स ऑफर किए गए हैं, जिनके थ्रू आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं या इसके टिल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसका ट्रंक स्पेस देखेंगे, जो कि हमारा एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास सामान ज़्यादा ही होता है, तो ट्रंक को आप यहाँ पे लगे हुए एक सॉफ्ट बटन के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं या रिमोट में लगे हुए इस बटन को प्रेस करके रख। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगेज स्पेस इसमें काफ़ी है, इतनी ही है जितनी इस साइज़ की गाड़ी में होनी चाहिए, और पाँच बंदों के पाँच बड़े साइज़ के सूटकेस तो नहीं, लेकिन काफ़ी मुनासिब साइज़ के बैग्स आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल करना है। तो दोस्तों, अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। आज ठंड काफ़ी है और बाहर 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और इसीलिए जैसा कि हमने इसका हीटेड सीट्स ऑन की हैं और हीटेड स्टेयरिंग को, तो फील बहुत अच्छी आ रही है। बेसिकली लग्जरी ही है, जापानीज लग्जरी कार है, और वहाँ पे जो भी कंपनी के एग्जेक्टिव्स होते हैं, वीपीज होते हैं, इस तरह के लोग सब क्राउन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जापान में एक क्राउन का ट्रिम डाउन वर्जन भी है, जो कि वहाँ पे टैक्सीज के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप अगर जर्मनी जाएं तो वहाँ पे मर्सिडीज़ भी टैक्सी में यूज़ हो रही होती है, उसी तरह क्राउन का एक ट्रिम डाउन वर्जन होता है जिसमें इतने ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन वो जापान में एज ए टैक्सी यूज़ होती है, तो अच्छा। वहाँ की एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड है और कंफर्टेबल और लग्जरियस। तो उसी तरह हो गया इफ यू द कार गाइस, जिस तरह से यूजुअली आप यूरोप चले जाएं तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज भी वहाँ पे एज ए टैक्सी यूज़ होती है। बिल्कुल, वहाँ पे हर दूसरी गाड़ी आपको टैक्सी जो है वो मर्सिडीज ही नजर आती है, उसी तरह जापान में जो है वो क्राउन का एक ट्रिम डाउन वर्जन होता है। अच्छा, सीट बेल्ट प्लीज। श्योर सर, थैंक यू। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानी मार्केट में आपको क्राउन कम नज़र आती है? जी एग्जैक्टली exactly. ठीक है, लोगों के पास शौक रखने वाले लोग जो हैं उनको तो आइडिया है कि यार इस गाड़ी क्या वर्थ है, बिकॉज कुछ मैंने लोग देखे जिन्होंने शौक से इस गाड़ी सलून को, रॉयल सलून को उठाया कि यार ये दिस इज समथिंग गिव देम, और आई थिंक ये तो एक हाइब्रिड वेरियंट है इसका। बिल्कुल, इसका एक और वेरियंट भी है जो के इससे ज़्यादा आई थिंक मज़ीद मोर लग्जरियस फील देता है आपको। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और डिफरेंट साइजेस के इंजन्स के साथ ऑफर की गई है क्राउन। Exactly. उसमें V6 भी है, 3 लीटर भी है, और ये वाली बेसिकली हाइब्रिड वर्जन है जो कि 2.5 लीटर है और 4 सिलेंडर इंजन है। जो पुराने ज़माने में आती थी उसमें 2JZ का इंजन होता था, जो कि बहुत ही स्मूथ और पावरफुल इंजन होता था, जिसमें गाड़ी की फील ही कुछ और होती थी, तो उसकी
बात ही कुछ और थी, लेकिन ठीक है, ये इसको जरा इकोनॉमी के लिए डिजाइन किया गया है, दिस इज व्हाट आई कैन फील कि ये थोड़ा सा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्टिव है। तो इसमें मेन जो कैच है वो है फ्यूल इकोनॉमी का, तो फ्यूल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि बहुत, अब इतने बड़े साइज की गाड़ी है लेकिन आप लोकल शहर के अंदर देख लें तो 15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल कंजम्पशन इज वेरी गुड, विच इज वेरी इम्प्रेसिव एंड अ वेरी गुड फिगर फॉर दिस साइज ऑफ अ व्हीकल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये गाड़ी मतलब लग्जरी के और कंफर्ट के साथ साथ इकोनॉमिकल भी है। बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड, सो टोयोटा हाइब्रिड का आप समझ लें कि इट्स अ बाय वर्ड फॉर इकोनॉमी। लेकिन फिर भी लोग जा नहीं रहे इसकी तरफ। जी, उसकी भी एक वजह है। अब हम इस गाड़ी को रिफ्यूल भी कर लेते हैं, हम रिफ्यूलिंग कराएं तो हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को। जी एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि लोग इस तरह की लग्जरी गाड़ी को क्यों नहीं लेते यहाँ पे पाकिस्तान में, ये इतनी कॉमन नहीं है। आपका एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बेसिकली। ये भी थोड़ी कंसीडरिंग द इकोनॉमी एज वेल, मतलब आपको एक इकोनॉमिकल कार इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंट। असल में इससे पुराने मॉडल्स जितने थे वो उस वक्त तक हाइब्रिड नहीं ऑफर होती थी क्राउन में। अच्छा, लेकिन अब होता है क्या कि क्योंकि कॉस्टली गाड़ी है, कोई भी प्राइस इसकी कोई कम नहीं है, तकरीबन 7 to 8 million रुपीज के अराउंड इसकी कॉस्ट है। तो जब इस प्राइस रेंज में लोग जाके गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो मर्सिडीज़ को या ऑडी को प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी है, तो जिनका बनता भी है लेना। फिर उसके बाद लोगों को शायद ये वाली गाड़ी इतनी लग्जरी नहीं लगती मेरे ख्याल में, ऑडी और उसके साथ कंपेयर करते करें, जो कि है भी नहीं शायद। मेरे ख्याल में मर्सिडीज और उनकी बिल्ड क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर है, कंपैरेटिवली इससे बेहतर है, इससे बेहतर है। अब लेकिन जो नई जो मर्सिडीज़ वगैरह हैं वो भी हाइब्रिड आ रही हैं, और वहाँ पे भी लोगों को थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी, थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पे भी लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन जो इस प्राइस रेंज में जो लोग गाड़ियाँ नॉर्मली लेते हैं वो फॉर मर्सिडीज एंड ऑडी एंड बेसिकली वो फ्यूल एफिशिएंसी उनके लिए कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं होता, इस वजह से वो उस ब्रांड की तरफ चले जाते हैं। आप रेंज ले लेना, मिसाल ले लें, लोग होंडा में जाएंगे तो उस रेंज में एकॉर्ड में चले जाएंगे, अगर एकॉर्ड, लेकिन एकॉर्ड एक डिफरेंट गाड़ी है, कैमरी है, एक डिफरेंट तरह की उसकी एक जनरेशन है, वो एक डिफरेंट तरह की फील है। बट स्टिल मैंने देखा कि क्राउन फिर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है शायद इतना ज़्यादा उसकी मार्केट नहीं है जैसे जिस तरह की ये गाड़ी है। क्या ये अंडर एस्टिमेट की जाती है या क्या, ये जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि ब्रांड कॉन्शियस हैं यूजुअली बहुत सारे लोग, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में बिल्कुल अंडर रेटेड किया जाता है इस तरह की गाड़ी को, जो कि ठीक है लोग समझते, जो बेसिकली जो समझते हैं जिसका शौक़ है उस तरह के हज़रात इस गाड़ी को ख़रीदते हैं और बहुत शौक़ से रखते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जैसे आपको बताया कि जापान में आप देखें ना तो ये एग्जेक्टिव्स के पास है या टैक्सीज में चलती हैं। अच्छा। तो यहाँ पे भी इस तरह की गाड़ियाँ अक्सर जो है वो किसी कंपनी के एग्जेक्टिव्स के पास होती हैं। पर्सनल यूज़ में मैंने बहुत कम देखी है इस तरह की गाड़ियाँ के लोगों ने रखी हुई हों। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है? मेरे ख्याल में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इस गाड़ी की कोई उस तरह से ज़्यादा नहीं है जैसे मर्सिडीज़ या बीएमडब्ल्यू की होती है, क्योंकि जब उसके आप सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ऑल्दो आजकल खैर किसी भी गाड़ी की आप देख लें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ऊपर जा चुकी भी है, और इवन के करोला की भी अगर लाइट टूट जाती है तो नई करोला की हेडलैम्प जो है वो तकरीबन काफ़ी एक्सपेंसिव है, 67,000 की वहाँ से मिलती है। तो इसी तरह एक जो थोड़ा सा चैलेंज होता है फिर इस तरह की गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर वो जो भी सर्विस सेंटर में होगा जो इस गाड़ी को रिपेयर करेगा वो आपको इंपोर्ट करवा के देगा। बाकी ये कि इसमें टोयोटा की हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव जो कि बहुत मशहूर है फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमी, तो इसमें भी HSD है, और जो कि बहुत ही एक रिलायबल और सक्सेसफुल स्टोरी है टोयोटा की, जो कि बहुत सारी डिफरेंट गाड़ियों में उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। प्रियस एक कॉमन गाड़ी है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड which is HSD and Prius is very famous all around the world, yeah, and exactly. It is by word for fuel efficiency.
दीज डेज. तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी मार्केट शुरू शुरू में, तो मुझे याद है जब आज से कुछ कई साल पहले जब ये जापानीज गाड़ियाँ पाकिस्तान में आना शुरू हुई, प्रियस को टाइम लगा मार्केट लेने में, लेकिन उसके बाद जब उसने मार्केट कैप्चर की है तो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर की है. आप लोग प्रेफर करते हैं, प्रियस को प्रेफर करते हैं, और रिगार्डलेस ऑफ द शेप, मतलब मैं मुझे ऐसा बंदा है उसकी शेप को इतना लाइक नहीं करता, और पर्सनली मुझे भी उसकी शेप कोई पसंद नहीं है, और ना मुझे हाइब्रिड गाड़ियों की ड्राइव पसंद आती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिवनेस का फैक्टर जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. आई वॉन्ट द कार टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू थ्रॉटल इनपुट. तो हाइब्रिड में थोड़ा सा इस तरह नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूल सेविंग के लिए इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच में स्विच ओवर होती रहती है. ऑल दो ट्रांजिशन बड़ी सीमलेस होती है, आपको पता नहीं लगेगा किस वक्त इंजन से गाड़ी मोटर पे चली गई और किस वक्त इंजन से मोटर से इंजन पे आ गई है. तो डिपेंडिंग ऑन बैटरी का चार्ज लेवल कितना है और आप कितनी फास्ट एक्सेलरेशन कर रहे हैं या आप कितनी स्पीड से चला रहे हैं, तो गाड़ी मोटर इलेक्ट्रिक मोटर पे चलती है, और जैसे ही बैटरी में चार्ज कम होता है तो वो इंजन किक इन हो जाता है. अगर आप बहुत फास्ट एक्सेलरेशन करना चाह रहे हैं तब भी इंजन किक इन हो जाता है, और अगर आप क्या नाम है एक सर्टन स्पीड लिमिट से बढ़ रहे हैं जैसे 50 किलोमीटर पर आवर से, तो भी इंजन किक इन हो जाएगा. तो लेकिन खैर मेन हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो है फ्यूल एफिशिएंसी. और आप इस इंसान को जो है ना वो एक बड़ा जैसे कहते हैं फैक्टर काउंट करता है, आप रिगार्डलेस ऑफ द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. उसके अलावा आम इंसान जो जो शौक रखता है थोड़ा, जो ये चाहता है कि यार बस गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, जी बिल्कुल, बट स्टिल उसके जहन में एक मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी फ्यूल इकोनॉमी वो मैटर करती है जिसके लिए. तो उसके लिए आई यू थिंक के यार ये हाइब्रिड वर्जन HSD वर्जन ऑफ क्राउन इज अ मस्ट बाय. यस आई थिंक किसी को अगर इस तरह की कंफर्टेबल और लग्जरी गाड़ी चाहिए तो उसे क्राउन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए. और मेरे ख्याल में फ्यूल एफिशिएंसी तो हर एक का कंसर्न है आजकल के दौर में, क्योंकि फ्यूल महंगा होता जा रहा है, और अगर स्पेशली आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप अमीर भी हैं आपकी जेब पे फ़र्क तो पड़ेगा उस चीज़. हाँ ऐसे ऐसे सोफर अभी तक जितनी देर भी हम उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, क्या बात है सीरियसली यार, ये जो शशका दिया है ना इस रॉयल सैलून में टोयोटा ने, वो कोई कम नहीं है सीरियसली स्पीकिंग. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम विद इफी द कार गाय एंड ऑन दिस सैलून कार, आई एम फीलिंग दिस ऑसम, ट्रूली ऑसम. और सो फार व्हाट आई कैन फील इज के इट्स अ स्टेबल ड्राइविंग कार. ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर इसको राइड इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है और स्टेबल भी है, और फिर आप देख सकते हैं कि केबिन की इंसुलेशन इतनी अच्छी है कि गाड़ी में अभी हम 60-70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं सिटी के अंदर, तो किसी किस्म का गाड़ी में शोर नहीं है. इवन कि आप अगर इसको मोटरवे पे भी ले जाएं 140 की स्पीड से भी चलाएं तो गाड़ी के अंदर कोई शोर इस तरह से नहीं है जैसे कि नॉर्मल करोला और उस टाइप की जो छोटी गाड़ियों में आ रही होती है. और यही एक कैच होता है मर्सिडीज़ और ऑडीज़ में, इवन के अगर वो कन्वर्टेबल भी है तो तब भी आप 120-140 की स्पीड पे गाड़ी के अंदर शोर बिल्कुल नहीं आता. तो वो इसी तरह इस गाड़ी में भी जो है इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छे तरीके से की गई हुई है, और इंटीरियर इसका बहुत ही खामोश है. Yeah, it is very sound, very calm. I'm feeling like I need to take some nap. नींद आ रही है ऊपर से. इंसुलेशन सिर्फ गाड़ी की नहीं है माशाल्लाह, सीट भी गर्म हो गई, सीट्स कंफर्टेबल भी है. गाड़ी की सीट्स जो है वो हीटेड भी हैं, और ना सिर्फ इसका बॉटम पार्ट बल्कि इसका रियर पार्ट भी हीटेड है, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं. क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक मसाज हो रहा है हमारा ना यहाँ बैठे बैठे, बेसिकली आपको हीट थेरेपी मिल रही है. और जब इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो नींद आ ही जाती है बंदे को. If you are traveling on a long distance, लेकिन ये driving seat के लिए नहीं होना चाहिए. मैं prefer कि यार जब आप motorway पे जा रहे हैं और उसको नींद आ जाए, खुदा ना खास्ता,
That's a disaster. Yeah, apart from that, देखिए क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, इसमें क्रूज कंट्रोल का क्रूज कंट्रोल भी है बिल्कुल. क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन में ये होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं जब आपको इतना सुकून मिल रहा हो ना गाड़ी में और आपने क्रूज कंट्रोल लगा लिया है तो फिर तो बस ऑटो पायलट की दे रहे खाली. रिवर्सिंग कैमरा विद गाइडेड लाइंस जो कि आपकी ड्राइविंग को ज़्यादा ईजी बनाता है. गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी हैं और जब भी फ्रंट पे अगर कोई चीज़ गाड़ी के करीब आती है तो ऑटोमेटिकली बीप करना स्टार्ट कर देगी. और इसी तरह अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो भी कोई चीज़ आपके करीब आती है तो गाड़ी बीप करना स्टार्ट कर देगी और आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले कराएगी. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप किसी गाड़ी के करीब हो रहे हैं. जैसे देखें मैं मज़ीद. अच्छा, हाइब्रिड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है बल्कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है. अब जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एकदम से इसका इंजन नहीं ऑन हो जाता और जब आप गाड़ी को चलाने लगते हैं तब भी इसका इंजन एकदम से ऑन नहीं हो जाता. बल्कि होता क्या है कि शुरू में अगर बैटरी में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक मोटर पर गाड़ी चलना स्टार्ट होती है और जैसे ही चार्ज लो होता है आप स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं तो उस वक्त जो है इंजन किक इन होता है. तो जितनी देर आप इलेक्ट्रिक मोटर पर चला रहे हैं तो उतनी देर जो है मतलब आपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं क्रिएट हुई, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का कोई उस तरह से पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था उस ड्यूरेशन में. फिर आजकल के दौर में वैसे भी गाड़ियों की एमिशंस पे बड़ा कंट्रोल स्ट्रिक्ट किया गया है बाहर की दुनिया में, तो वैसे भी एमिशंस इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं. तो उस वजह से मैं ये भी कहूँगा कि इको फ्रेंडली गाड़ी है ये, ना सिर्फ फ्यूल के पर्सपेक्टिव से बल्कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी. ड्राइवेबिलिटी में हम बात करते हैं तो हैंडलिंग के पार्ट पे आते हैं तो गाड़ी के स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है और बड़े साइज़ की गाड़ी के होने के बावजूद इसका टर्निंग रेडियस छोटा है, मतलब कि आप किसी भी छोटी सी जगह में इस गाड़ी को ईजीली मोड़ सकते हैं. उसके बाद इंजन की बात करें तो इंजन इसका 4 सिलेंडर 2.5 लीटर है और इसके साथ हाइब्रिड सिस्टम भी है, हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का सिस्टम है. लेकिन इंजन इसका बहुत ही स्मूथ है और टॉर्क डिलीवरी कंबाइंड इस सिस्टम की बहुत ही अच्छी है, बहुत एफिशिएंट है. मतलब इस वक्त मैं 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हूँ, अगर मैं इसे एक्सेलरेट करता हूँ 130-140 बहुत ईजीली एक्सेलरेट करती है गाड़ी. तो एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, टॉर्क डिलीवरी बहुत अच्छी है. सो इफ यू द कार गाय, क्या रिकमेंडेशंस हैं टोयोटा क्राउन हाइब्रिड वर्जन के लिए आप? किन लोगों को खरीदनी चाहिए? ऑब्वियसली यार, किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है, किन लोगों को सोचना चाहिए कि यार इस गाड़ी को लें? बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या वीपी हैं या इस लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं तो फिर आप जो है क्या नाम है इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपने ऑफिशियल ट्रैवल के लिए जाना है या अपनी फैमिली यूज़ के लिए इस तरह की गाड़ी को रखना है तो कम्फर्ट भी है, लग्जरी भी है, स्टाइल भी है और चूँकि हाइब्रिड है तो फ्यूल एफिशिएंसी भी है. ऑल इन वन पैकेज वंस अगेन मैं कहूँगा. और आजकल के दौर में इस गाड़ी की प्राइस तकरीबन 7-8 मिलियन रुपीज़ है डिपेंडिंग ऑन मॉडल कंडीशन, और उससे कम की भी मिल जाएगी, ज़्यादा की भी होगी, लेकिन डेफिनेटली मॉडल और कंडीशन की बात आ जाती है. तो दैट्स इट. इट्स वेरी वेल सेड. मतलब मेरे लिए मैं अगर बीइंग अ कार लवर अगर कहा गया है कि इस रिकमेंडेशन को अंडरस्टैंड करूँ तो नो डाउट अबाउट इट, टोयोटा क्राउन इज़ अ फुल पैकेज, इज़ अ फुल फैमिली पैकेज फॉर पीपल हु आर हु लाइक टू हैव अ लग्जरी प्लस इकॉनमी, बिकॉज ये दोनों आपको इस गाड़ी मिल जाएगा. दिस इज़ HSD वर्जन ऑफ टोयोटा क्राउन. सो इट्स अ वेरी गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस इफ यू द कार गाय. थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू एंड यू इनवाइटिंग मी इन दिस वीडियो. आई रियली लाइक्ड टुडे द एनवायरनमेंट ऑफ द कार, द इंटीरियर ऑफ द कार, द एक्सटीरियर ऑफ द कार ऑफ टोयोटा क्राउन इज फैबुलस एज़ फार एज़ आई थिंक.
बाकी यस इज राइट कि थोड़ा सा एक हाई रेंज गाड़ी है उसको जिनके लिए रिकमेंडेड है दे शुड टेक इट. सो आफ्टर ऑल दिस आई मस्ट से कि आप इस ज़बरदस्त चैनल को विद दिस ज़बरदस्त आदमी ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्लस आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद के हाउ डू यू थिंक कि मज़ीद और क्या इम्प्रूवमेंट्स मज़ीद लाई जा सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बेल आइकॉन के लिए जब नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. इम्पॉर्टेंट याद रखना है ये. थैंक यू बासिम साहब. सर थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशन अबाउट कार्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.